सब्सक्राइब कीजिए हिंद न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले 2 महीने से पूरा देश कोरोना महामारी की चुनौती और लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी रोजगार के गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पाँव भूखे प्यासे बगैर दवाई और साधन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, कारखाने बंद हो गए, किसान को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। यह पीड़ा पूरे देश ने झेली, पर शायद सरकार को इसका अंदाज़ा ही नहीं हुआ। पहले दिन से ही मेरे सभी कांग्रेस के सब साथियों ने, अर्थशास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने और समाज के अग्रणी हर व्यक्ति ने बार बार सरकार को यह कहा कि ये वक्त आगे बढ़कर घाव पर मरहम लगाने का है। मजदूर हो या किसान, उद्योग हो या छोटा दुकानदार, सरकार द्वारा सबकी मदद करने का है। ना जाने क्यों केंद्र सरकार ये बात समझने और लागू करने से लगातार इनकार कर रही है। इसीलिए कांग्रेस के साथियों ने फैसला लिया है कि भारत की आवाज़ बुलंद करने का यह सामाजिक अभियान चलाना है। हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और ज़रूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपये प्रतिमा सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपये फौरन दें। मजदूरों को सुरक्षित और मुफ्त यात्रा का इंतज़ाम करके घर पहुंचाइए और उनके लिए रोजी रोटी और राशन का इंतज़ाम भी करें। महात्मा गांधी नरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करें जिससे गांव में ही रोजगार मिल सके। छोटे और लघु उद्योगों को लोन देने की बजाय आर्थिक मदद दीजिए ताकि करोड़ों नौकरियां भी बचे और देश की तरक्की भी हो। आज इसी कड़ी में देशभर से कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार फिर सरकार के सामने ये मांगे दोहरा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी इस मुहिम में जुड़िए, अपनी परेशानी साझा कीजिए ताकि हम आपकी आवाज़ को और बुलंद कर सके। संकट की इस घड़ी में हम सब हर देशवासी के साथ हैं और मिलकर इन मुश्किल हालातों पर अवश्य जीत हासिल करेंगे। जय हिंद।
सब्सक्राइब कीजिए हिंद न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए।